सर क्या लगता है जवान जिस तरह की रिकॉर्ड बना रही है टाइगर थ्री उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? बिल्कुल तोड़ जाएगी, तोड़ पाएगी। वो पहले दिन ही इसका रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी जवान का, नेट कलेक्शन का नहीं सॉरी, मतलब फर्स्ट डे जो ओपनिंग ली थी 120 करोड़ की समथिंग, इसने ग्रॉस कलेक्शन के तौर पे जवान ने नेट ग्रॉस कलेक्शन 122 करोड़, तो ये फर्स्ट डे 220 करोड़ या 223 करोड़ या 200 करोड़ के प्लस ही जाएगी टाइगर की, ये बात कंफर्म है। सलमान खान का इस बार स्वैग ही बहुत ज्यादा दिख रहा है। अभी लोगों ने 2023 में क्या हुआ कि सलमान खान को फ्लॉप एक्टर के तौर पे देखा है किसी भाई किसी जान से, और शाहरुख खान का पठान जवान देख लोगों को लग रहा है किंग खान शाहरुख खान ही बॉलीवुड के बाप है, तो बाप है यकीन है, बात सच है बॉलीवुड की, लेकिन सलमान खान दबंग खान है, ठीक है, उनका असली कमबैक टाइगर थ्री से होगा बिल्कुल ना, फिर एक के बाद हिट फिल्में आएंगी सलमान खान, ये सलमान खान के लिए बंदा गाएगा हिट पे हिट, मैं मारता फिर है कि नहीं? बिल्कुल, मैं सलमान का बहुत बड़ा फैन हूँ, और ये टाइगर इसलिए भी जाएगी क्योंकि टाइगर फ्रेंचाइजी है, प्लस मतलब इसकी जो एक हटाएगा टाइगर जिंदा है तो उन्हें ब्लॉकबस्टर रहते हैं, बिल्कुल ये भी जाएगी, और प्लस ये पठान से रिलेट होने वाली है, मतलब इसका स्पाइनवर्स क्रिएट होने वाला है यशराज फिल्म्स के बैनर तले, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छी है, शाहरुख खान का कैमियो भी होने वाला है, और इसमें इसलिए भी सपोर्ट मिलेगा क्योंकि ये वही है भाई जो स्टार्टिंग से है कि भैया क्या कहते हैं अपने जो इंडियन है जो मतलब पाकिस्तान में जाके ऐसी तैसी करेंगे सलमान खान पाकिस्तान में, जैसे अभी गदर को सपोर्ट मिला था बैकआउट गैंग का, वैसे इसको भी फुल सपोर्ट मिलेगा, और सलमान खान एक ऐसा एक्टर है जिसको कोई बैकआउट नहीं करता, उसको सभी प्यार देते हैं, ये बात अच्छी लगती है कि नहीं? बिल्कुल, और फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं, आते ही छा जाएंगे फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं, यस बहुत ज्यादा, पहले दिन कमाएगी 500 करोड़, बिल्कुल ओके थैंक यू।